तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। तो ये आपकी कक्षा 9वीं की लास्ट बुक बची हुई है। इसके खत्म होने के बाद आपकी 9वीं की सभी बुक्स कंप्लीट करवा दी गई हैं और कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद आपकी कक्षा 10, 11, 12 की बुक्स बचती हैं, उन्हें भी हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। आप सभी लोग एक बात याद रखिए, अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए आप लोग इन बुक्स को पढ़ लें, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण आपके लिए है कि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन्हें बिना पढ़े आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, तो इसलिए समय रहते हुए इन्हें आप लोग पढ़ लें। तो इसमें बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है, यानी कि लोग रहते हैं, जीव रहते हैं, पशु रहते हैं, इस तरह के सभी जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। हम यह भी जानते हैं कि जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता में होती है। इनके बिना जीवन संभव नहीं है, समझ रहे हैं? पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है? ये स्थल, जल एवं वायु है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के 75% भाग पर जल है। कितने? 75%, यानी कि 2/3 भाग पर जल है। यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। इन सभी को जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मंडल। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के साथ समान ढके रहती है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जीवित पदार्थ वही पाए जाते हैं जहाँ ये तीनों अवयव स्थित होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि तीनों बहुत जरूरी होते हैं जीवन के लिए। जीवन को आशा देने वाला पृथ्वी का यह घेरा, जहाँ वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम लोग जीव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। सजीव जीव मंडल के जैविक घटकों को बनाते हैं। वायु, जल और मृदा जीव मंडल के निर्जीव घटक हैं। आइए अब इन अजैव घटकों को पृथ्वी पर जीवन की संप्रेषण के लिए आवश्यक है, उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जीवन की श्वास यानी कि वायु। सबसे पहले वायु के बारे में जानते हैं। हम पहले अध्याय में वायु के घटकों के विषय में पढ़ चुके हैं। यह बहुत सी गैसें जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का मिश्रण होता है। यह जानना रुचिकर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिमाण है। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहां कोई जीवन नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उपस्थित है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम अध्याय 5 में पढ़ भी चुके हैं। किसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है? दूसरी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, दहन की क्रिया है। इसके केवल मनुष्य के क्रियाकलाप ही नहीं, जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, बल्कि जंगलों में लगी आग भी आती है। इसमें आप लोग एक समझ सकते हैं कि फिर चाहे आपका कोई समुद्र हो यानी कि महासागर हो या फिर पेड़ हो, महासागर आपके वायु जो CO2 निकलती है इसे सोखने का काम करते हैं, और जो पेड़ हैं आपके, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपके के फेफड़े हैं जिनमें से एक भाग आपके अंदर है, दूसरा भाग पेड़ों में है। आप समझिए कि आप जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो कहाँ जा रही है? सोचिए, अगर पेड़ ना हो तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन में बदलेगी ही नहीं। ऑक्सीजन में नहीं बदलेगी तो क्या होगा? आपके आपको ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी। तो पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? एक तरह से हमारे फेफड़े का दूसरा हिस्सा पेड़ है। इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और बहुत सी समुद्री जंतु
समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका क्या है आखिर? हम जान चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। हम जानते हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। चंद्रमा के बारे में सोचें, जो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी। इसके बावजूद चंद्रमा की सतह यहाँ वायुमंडल नहीं है। वहां का तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से प्लस में 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है हमेशा। ना इतना हमें चाहिए, इतने में जीवन भी संभव नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं, 110 डिग्री सेल्सियस। अभी 45, 46, 47 पहुंच जाता है तो आग लगने लगती है, जलन होने लगती है। और माइनस में आप देख रहे हैं 190, यानी कि बर्फ जम जाओगे। बाहर सुबह मालूम चला कि सुबह बर्फ बने मिली। इस क्रियाकलाप को देखते हैं। निम्नलिखित का ताप मापिए। जल से भरा एक बीकर, मृदा या बालू से भरा एक बीकर और एक बंद बोतल लें जिसमें थर्मामीटर लगा हो। इन सभी को सूर्य के प्रकाश में 3 घंटे तक रख दें। अब तीनों बर्तन के तापमान की माप करें, उसी समय छाया में भी तापमान को देखें। अब उत्तर दें। तापमान की माप अधिक है। प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कौन सा सबसे पहले गर्म होता है, स्थल या समुद्र? क्या छाया में वायु का तापमान बालू और तथा जल के तापमान के समान होगा? आप इसके कारण के बारे में क्या सोचते हैं? और तापमान में छाया क्यों मापा जाता है? क्या बंद बोतल या शीशे के बर्तन में लिया गया हवा का तापमान खुले में लिया गया हवा का तापमान समान है? इसके कारण के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हम पर इस तरह की घटनाओं से अवगत हैं? याद रखिए, इस तरह के जो भी क्रियाकलाप हुआ करें, आप लोग पढ़िए, अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को आप लोग नीचे जो दिए जाते हैं इसे ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। जैसा कि हमने देखा कि बालू तथा जल एक समान दर से गर्म नहीं होते हैं, इसलिए बोलता हूँ छोड़ने के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करते हुए बैठेंगे, समय बर्बाद होगा, और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप इनके आंसर देने में मुश्किल होगी आपको। तो बेहतर यही है कि आगे पढ़िए और छोड़ दीजिए। आप उनके ठंडा होने की दर दर बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अपने अनुमान के सत्यता के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं? अब बात करते हैं वायु की गति, पवने। हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाली ठंडे समीर से राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है। वायु की गति का क्या कारण है? वे कौन से कारक हैं जो कभी समीर, कभी तेज हवा या फिर कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करते हैं, और वर्षा का क्या कारण है? ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनते हैं। स्थलीय भाग या फिर जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहन धाराएं की प्रकृति को जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। 14.2, इसे आप लोग अगर वर्षा के बारे में आप समझना चाहते हैं तो आपकी जो भूगोल की बुक्स थी उनमें बेहतर समझाया गया है। सीधा सा मतलब आप सोचिए कि आप धूप में एक कटोरी पानी रख दीजिए, आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वो उड़ जाता है वाष्प के रूप में। समझ रहे हैं, वो है पानी, अब वाष्प के रूप में बादलों में पहुंच गया। उसके बाद उससे वो स्थिति मिलेगी, उतना तापमान मिलेगा जिससे वो पानी में बदल सके, तो वो नीचे आ जाएगा। इस क्रियाकलाप को देखते हैं। एक मोमबत्ती को चौड़े मुंह वाली बोतल में या फिर बीकर में रखें, उसे जलाएं। एक अगरबत्ती को जलाएं, उसे बोतल के मुंह के समीप ले जाएं। जब अगरबत्ती को मुंह के किनारे पर ले जाया जाता है तब अवलोकन करें कि धुआं किस ओर जाता है। जब अगरबत्ती को मोमबत्ती के थोड़ा ऊपर रखा जाता है तब धुआं किस ओर जाता है। दूसरी भागों में जब मोमबत्ती को रखा जाता है धुआं किस ओर जाता है, इस तरह से बात की जा रही है। धुएं द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं बहती हैं। इसी प्रकार जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है
तब यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है। चूंकि जल की अपेक्षा स्थल जल जल्दी गर्म होता है, जल की अपेक्षा जो आपका धरती है ये जल्दी गर्म होती है, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल की ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं हम लोग कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती है वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी। सीधा सा कहने का मतलब है कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलेंगी। किसकी ओर? उच्च वायु दाब जहां ज्यादा वायु दाब होगा और उससे कम वायु दाब के क्षेत्र की ओर हवाएं चलेंगी। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, ताप जहां ज्यादा होगा वहां वायु दाब कम होगा और जहां ठंडक होगी ठंडी हवाएं चलेंगी वहां वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि ये वायु को बैठा देता है, ठीक है, और गर्म ऊपर उठा देता है वायु वायु को, तो वहां खाली जगह हो जाती है। रात के समय की अगर हम बात करें तो स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं। चूंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। ऊपर दी गई परिचर्चा के आधार पर आप निम्न विषय में क्या कह सकते हैं? तटीय क्षेत्रों में कम और उच्च दाब के क्षेत्र में रात में उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी? इस प्रकार हवा की सभी गतियां विभिन्न वायुमंडलीय विक्रियाओं का परिमाण है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति, पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं। हम इन कारकों के बारे में इस अध्याय में विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचते हैं कैसे हिमालय की उपस्थिति से इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यह एक सीधी सी बात आपको याद रखना है। क्या आपने देखा है कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे उनका पानी गर्म होता है, लेकिन जो स्थल है आपका वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्रफल रहेगा क्षेत्र रहेगा और यहाँ उच्च वायु दाब का, तो किस तरफ चलेगी? इस तरफ हवाएं चलेंगी। और एक बात आप लोग जानते हैं कि स्थल जल्दी ठंडे होते हैं और पानी जो होता है समुद्र में वो देर में आपका ठंडा होगा, तो किस तरफ जाएगा फिर? रात में इस तरफ आपकी, मतलब स्थल से समीर समुद्र की ओर चलेंगी, ठीक है, हवाएं। और यही नियम लगाया करिए, जहां कम वायु दाब है उसकी तरफ हवाएं उच्च वायु दाब से जाएंगी निम्न वायु दाब की ओर। वर्षा, आइए हम इन प्रश्नों पर विचार करें कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा करते हैं। हम इनके लिए एक साधारण प्रयोग कर सकते हैं जिससे ज्ञात हो सके कि कुछ कारक जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। क्रियाकलाप 14.3 को देखिए। एक पतले प्लास्टिक की बोतल लें, इसमें 5 से 10 ml जल लें तथा बोतल को कसकर बंद करें। इसे अच्छी तरह हिलाएं तथा 10 मिनट तक धूप में रखें। इससे बोतल में मौजूद वायु जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है। अब एक जली हुई अगरबत्ती लें और बोतल के ढक्कन को खोलें और अगरबत्ती के धुएं की कुछ मात्रा को बोतल के अंदर जाने दें। पुनः बोतल को कसकर बंद करें। बोतल को अपने हथेलियों के बीच रखकर जितना जोर से हो सके दबाएं। कुछ समय तक प्रतीक्षा करें और बोतल को छोड़ दें। एक बार पुनः बोतल को आप जितना जोर से हो सके संभव दबाएं। अब उत्तर देंगे। आपने कब देखा कि बोतल के अंदर स्थित हवा कोहरे की भांति हो जाती है? यह कुहासा कब समाप्त होता है? बोतल के अंदर दाब कब अधिक होता है? कुहासा दिखाई देने की स्थिति में बोतल के अंदर का दाब कम है या फिर अधिक? इस प्रयोग के लिए बोतल के भीतर की हुई आवश्यकता क्यों है? धुएं की आवश्यकता क्यों होगी? क्या होगा जब आप इस प्रयोग को बिना अगरबत्ती के धुएं के करेंगे? अब ऐसा प्रयत्न करें कि देखें कि परिकल्पना सही थी या गलत। इन सबको एक बार पढ़ना है, बार बार मैं बोल रहा हूं। उसके बाद आपको नीचे जो निष्कर्ष दिया जाता है उसे पढ़ना है बहुत अच्छे से। बहुत छोटे स्तर पर उपयुक्त प्रयोग दोहराए। क्या होता है जब जलवाष्प से भरी हुई
वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में या इसके विपरीत प्रभावित होती है। तो दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और यह वाष्प वायु में प्रभावित हो जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। यह वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर उठ जाती है यह फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में नीचे संघनित होने लगता है। जल का यह संघनन सहज होता है। यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को जमा होने देते हैं, सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। एक बार जब जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं तो वे संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती हैं। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं। कभी कभी जब वायु का तापमान काफी कम हो जाता है तब ये हिमवृष्टि अथवा ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अधिकतर आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है, याद रखिए। हमने मौसम सूचनाओं में भी सुना होगा कि बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई है। ये आपका भारत है, देखिए क्या है ये भारत। इस तरफ से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उत्तर पूर्वी लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून को, ठीक है। अब क्रियाकलाप 14.4 को भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? पूरे देश में होने वाली वर्षा के पैटर्न के बारे में समाचार पत्र या फिर टेलीविजन के माध्यम से मौसम सूचनाओं की जानकारी एकत्रित करें या भी पता लगाएं कि एक वर्षा मापक यंत्र कैसे बनाया जाए, उसे बनाए। वर्षा मापक यंत्र से सही डाटा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय करने आवश्यक है? अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस महीने में आप शहर नगर गांव में सबसे अधिक वर्षा हुई? किस महीने में आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा हुई? क्या वर्षा हमेशा बादल गरजने या बिजली चमकने के कारण साथ हुई? अगर नहीं तो किस मौसम में सबसे अधिक वर्षा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ हुई? फिर क्रियाकलाप 14.5 को देखिए। पुस्तकालय से मानसून और चक्रवात के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करें। किसी दूसरे देश की वर्षा के पैटर्न का पता लगाएं। क्या पूरे विश्व में वर्षा के लिए मानसून उत्तरदायी होता है? छोड़िए, आप ये सब भूगोल में पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ क्रियाकलाप है बस पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है वरना निकल जाएगी। फिर आपका वायु प्रदूषण। हम समाचारों में रात सुनते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। लोग रात दुख प्रकट कर रहे हैं। उनके बचपन से लेकर अभी तक वायु की गुणवत्ता में कमी आई। वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है और इस गुणवत्ता में आए परिवर्तन हमें और दूसरे जीवों को किस प्रकार कैसे प्रभावित करते हैं? उसी की बात की जा रही है। जीवाश्म में ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं और यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर भी अम्लीय वर्षा भी करते हैं, ये भी नुकसानदायक होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ा देता है। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण का कण या फिर पदार्थ को हो सकते हैं, जिन्हें का हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है, विशेषकर सर्दी के मौसम में जल जल भी वायु के साथ संघनित होती है। इसे धूम कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम कोहरा, लाइकेन। ये वायु प्रदूषण की ओर संकेत करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि इन पदार्थों वाली वायु से सांस लेने के में से कैंसर, हृदय रोग या फिर एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। क्रियाकलाप 14.6 को भी देखते हैं। लाइकेन नामक जीव वायु में उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जैसे कि अनुवाद 7.3 में बताया जा चुका है। ये फिर आप पेड़ों की छालों पर
पतले हरे और सफेद रंग की परत के रूप में पाए जाते हैं। यदि आपके आसपास पेड़ों पर लाइकेन है तो उसे आप देख सकते हैं। वयस्क सड़क के समीप पेड़ पर स्थित लाइकेन और कुछ दूरी पर स्थित पेड़ पर स्थित लाइकेन की तुलना कर सकते हैं। सड़क के समीप स्थित पेड़ों पर सड़क की ओर की सतह पर लगे लाइकेन की तुलना में सड़क की विपरीत दिशा की ओर सतहों पर लगे लाइकेन से करें। ऊपर प्राप्त लक्षणों के आधार पर आप सड़कों के किनारे या फिर दूर प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों के रूप में विषय में कह सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं जल। एक अद्भुत द्रव है। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है और यह भूमिगत भी होता है। जल की कुल मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल आपका समुद्र और महासागरों में है और तथा यह खारा भी है। कैसा है? खारा है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। भूमिगत जल और नदियों झीलों तालाबों का जल भी शुद्ध होता है, फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है और ग्रामीण इलाकों में जहां जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है वहां लोगों का अधिकतर समय दूर से जल लाने में व्यय होता है। क्रियाकलाप 14.7 को देखिए। बहुत से नगर निगम जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जल संग्रहण की तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं। पता लगाइए कौन सी तकनीक है यहाँ उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा बढ़ाने से इस प्रकार सहायक है, क्योंकि जल इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए तथा सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है। आप कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, यही है। सभी कोशिकाएं कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में या फिर कोशिकाओं के अंदर होती हैं वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है, इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। और कहते हैं ना कि आप लोग एक बड़ा हिस्सा जल है हमारे शरीर में। और एक बात आप समझिए, सोच के देख सकिए, सोच लिया करिएगा कि जल ना होता तो क्या होता, शायद हम ना होते। एक क्लियर है, स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है। इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत आवश्यक हैं। हमारे पास जल तो अधिक है, जल की कोई कमी नहीं है। आप देखते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जली है, समझ रहे हैं, लेकिन वो खारा है, यानी कि उसमें नमक ज्यादा लवण युक्त जल है, तो उसे हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। आप कभी देखा होगा आपने कि आप लोग अगर नमक मिला पानी पीते हैं तो उससे मुझे नहीं लगता है कि प्यास बुझ पाती है, थोड़ी टाइम बाद फिर लगाती है। अब क्रियाकलाप 14.8 को आप देखिए। किसी नदी तालाब या झील के समीप एक छोटे स्थान को चुने। मान लें कि एक वर्ग मीटर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों एवं जंतुओं की संख्या को गिने। प्रत्येक स्पीसीज की अलग अलग गणना करें। इसकी तुलना सूखे और पथरीले भाग की उतने ही बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों से करें। क्या दोनों क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जंतु एक ही प्रकार के हैं? क्रियाकलाप 14.9 को देखिए। अपने विद्यालय के समीप या किसी प्रयोग में नहाने वाली भूमि को चुनें, लगभग एक वर्ग मीटर, और उसे चिन्हित करें। उसी प्रकार उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और पौधों तथा प्रत्येक स्पीसीज के जीवों की संख्याओं की गणना करें। उसी स्थान की गणना वर्ष में दो बार करें, एक बार गर्मी और दूसरे मौसम में, दूसरी बार बरसात के मौसम में। अब उत्तर दे सकते हैं इनके, छोड़िए आप नीचे आइए। उपयुक्त तो दोनों क्रियाकलापों के परिणामों को संकलित करने के बाद आप विचार करें कि क्या जल की मात्रा की उपलब्धता का संबंध पौधों और जंतुओं के प्रकार उसकी संख्या से है जो एक निश्चित या फिर दिए हुए स्थान में रह सकते हैं। अगर संबंध है तो बताइए कि आप किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रकार और जीवन की उपलब्धता पाएंगे, 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में या फिर 5 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में। एटलस में वर्षा के पैटर्न वाले मानचित्र को देखें और यह बताएं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विभिन्नता होगी, किस राज्य में कम होगी। अनुमान सही है या गलत इसकी जांच करने के लिए क्या हम किसी विधि पर विचार कर सकते हैं? एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम आता है तो आपको कई तरह के जीव भी दिखाई देने लगते हैं, और एक गर्मी का मौसम आता है जब सूख जाती है, सब खत्म हो जाता है, तब आपने देखा होगा
घास भी आपके सामने नहीं दिख रही है, तो जीव जंतु वहां जीव छोटे छोटे आपको कम ही दिखाई देंगे। तो पानी ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे लिए। जल की उपलब्धता प्रत्येक स्पीसीज बर्ड जो कि एक विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम है की संख्या को ही निर्धारित नहीं करती, अपितु यह वहां के जीवन में विविधता को भी निर्धारित करती है। यद्यपि जल की उपलब्धता ही केवल एक कारक नहीं है जो उस क्षेत्र में जीवन के लिए आवश्यक है, दूसरे कारक जैसे तापमान और मिट्टी की प्रकृति भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जल एक महत्वपूर्ण संपदा है जो जीवन को स्थल पर निर्धारित करता है। तो याद रखिए, मेघालय में मात्स्यन नाम में सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है भारत में, ठीक है? भारत में नहीं, विश्व में भी, विश्व में सबसे ज्यादा अपने भारत में मेघालय राज्य में होती है मात्स्यन नाम। अब बात करते हैं जल प्रदूषण। जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिसके उपयोग हम खेतों में करते हैं, अतः इस पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। हमारे शरीर, शहर या फिर नगर के नाले का जल, उद्योगों का कचरा, जल भी नदियों और झीलों में संग्रहित हो जाता है। आपने सुना होगा कि गंगा नदी का सबसे ज्यादा प्रदूषण होने का कारण यही थे कि इलाहाबाद का पूरा जितना भी गंदा जल था उसी में मिलाया जाता था, और कानपुर का जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, चमड़ा फैक्ट्रियां आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कानपुर में थी, तो उनका भी प्रदूषण सबसे ज्यादा जल उसी में जाता था। उसके बाद आपने देखा है कि काफी हद तक, जब से 2014 से सफाई अभियान पर जोर दे दिया जाने लगा, तो यहाँ से फैक्ट्रियां भी हटा दी गई हैं और अब यहाँ की जो जल है इसे भी एक हद तक अच्छे से इसका प्लांटेशन करके, मतलब इसे स्वच्छ बनाकर छोड़ा जा रहा है। मतलब इसका अब प्रदूषण जो डायरेक्ट जल आता था उसे रोक दिया गया। इसमें कुछ विशेष उद्योगों की बहुत सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। उस प्रकार निष्पादित गर्म जल को जलवाष्प में वापस लौटा दिया जाता है। जब बांध में से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशयों के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह के जल की तुलना में शीतल होगा। ये सभी जलाशय में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। एक कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ को हानि पहुंचा सकते हैं। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। अतः हम निम्नलिखित प्रभाव को दिखाने दिखाने के लिए जल प्रदूषण शब्द का प्रयोग करते हैं। जलाशयों में अनिच्छित पदार्थों का मिलना, ये पदार्थ पीडकनाशी या फिर उर्वरक हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग होते हैं, या फिर कागज उद्योग में उपयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे पारा की लवण हो सकते हैं। ये बीमारी फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना, घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग की जाती है। किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलाशयों से अन्य पोषक की कमी हो सकती है। तापमान में परिवर्तन, जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वे वहां के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल हो सकते हैं, और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके खिलाफ लिए खतरनाक होगा या फिर प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं हम लोग मृदा में खनिज की पिछोड़ता। एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा भी है, मिट्टी। लेकिन मिट्टी क्या है? आखिर मृदा है क्या? यह कैसे बनती है? और पृथ्वी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहा जाता है। इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करने के लिए करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्ष के लंबे समयांतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैविक क्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृदा है। लेकिन कौन से कारक या फिर प्रक्रियाएं हैं जिनमें मृदा बनती है? सूर्य, सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देते हैं जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं, और रात के समय ये पत्थर को ठंडा कर देते हैं जिससे संकुचित हो जाते हैं। क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित या फिर तथा संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है और पत्थर में ये बड़े बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। फ्रेश जल,
जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरारों में जल जा सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो यह दरार को और अधिक चौड़ा करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्राह अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहाकर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकरा कर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं और जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। इस प्रकार मृदा मूल पत्थर से काफी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। फिर आता है वायु का स्थान। जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती हैं। वायु जल की ही तरह वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, किसी बालू को। फिर आपकी जीभ भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, पत्थरों की सतह पर भी उगते हैं। इस क्रम में भी पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देते हैं, मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। अब इस सतह पर मॉस और दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। बड़े बड़े पेड़ों की मूल कभी कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं और विपत दरार को चौड़ा कर देती हैं। सीधा सा मतलब, आप चूना को लीजिए, आपने देखा होगा चूना पूरा पत्थर की तरह आता है, जिससे आप लोग घर में पुताई करते थे, परेंट करते थे। अब तो शायद अब नहीं होता इस तरह का, होता होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन शहरों में ये बदल चुका है। तो आपने देखा होगा उसे जैसे ही आप लोग पानी में डालते थे वो घुल जाता था, यानी कि बालू की तरह बन जाता था। समझ रहे हैं? तो पानी भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है, तो यही प्रक्रिया है आपकी मिट्टी को बनाने की। अब चलते हैं क्रियाकलाप 14.10। कुछ मृदा लें, उसे जल से भरे बीकर में डाल दें। ली गई मृदा की मात्रा के लगभग 5 गुना जल होना चाहिए। मृदा और जल को मिलाएं और फिर मृदा के नीचे जमा होने दें। कुछ समय पश्चात अवलोकन करें, क्या बीकर से तल में मृदा समांगी है या परतों में विभाजित है। अगर परतों का निर्माण हुआ है तो किस प्रकार एक परत दूसरे से भिन्न है। क्या वहां जल की सतह पर कुछ तैर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ पदार्थ जल में घुल गए हैं, आप इन्हें कैसे देख रोकेंगे। याद रखिए, क्रियाकलाप आपको नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आप सोचिए कि कितना टाइम लग जाएगा अगर आप इसे कर करके पढ़ेंगे। बस नीचे जो पॉइंट दिया जाता है इसे आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। जैसा कि आपने देखा है कि मृदा एक मिश्रण है, इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें सड़े गले जीवों के टुकड़े भी देखने को आपको मिलते हैं, जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जीव, सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुण को उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस है, क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाती है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायता करती है। क्या ह्यूमस? खनिज पोषक तत्व जो मृदा में पाए जाते हैं वह उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे मृदा बनी होती है, मिट्टी आपकी बनी होती है। किस मृदा पर कौन सा पौधा होगा यह इस बात इस पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, ह्यूमस की मात्रा कितनी है, उसकी गहराई क्या है। इस प्रकार मृदा की ऊपरी परत में जितने मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं उसे हम लोग ऊपरी मृदा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊपरी मृदा। ऊपरी मृदा की गुणवत्ता जो इस क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्धारित करती है में एक महत्वपूर्ण कारक भी है। क्या है? महत्वपूर्ण कारक भी है। ठीक। आधुनिक खेती में पीड़क नाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर सकते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। ह्यूमस बनाने में सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर सकते हैं। अगर संपोषणीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है।
उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं और इसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देते हैं। इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि प्रदूषण कहते हैं। मृदा जिसे हम आज एक स्थान पर देखते हैं वह लंबे समय अंतराल के पश्चात निर्मित हुई है। यद्यपि कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक हैं, इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं। मृदा के यानी कि मिट्टी के महीन कण प्रभावित वायु या फिर जल के साथ भी स्थानांतरित हो सकते हैं। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण आप संपदा को की हानि हो जाती है और क्योंकि पत्थर पर उर्वरता नगण्य होती है। अब क्रियाकलाप आप लोग 14.11 को देखिए। एक ही तरह की दो ट्रे लें और उन्हें मृदा से भर दें। एक ट्रे में सरसों या फिर मूंग अथवा धान या फिर हरे चने का पौधा रोपें और दोनों ट्रे में जब तक कि जल दें, जब तक कि ट्रे में पौधे पौधा रोपा न गया हो और पौधे की वृद्धि से ढक नहीं जाए। यह सुनिश्चित करें कि दोनों ट्रे एक ही कोण पर झुके होते हैं हो। दोनों में ट्रे में समान मात्रा में जल इस तरह से डालें कि जल बाहर की ओर निकल जाए। ट्रे से बाहर जाने वाली मृदा की मात्रा का अध्ययन करें। क्या बहने वाली मृदा की मात्रा दोनों ट्रेनों में समान है? अब कुछ ऊंचाई से दोनों ट्रेनों में ट्रे में समान मात्रा में जल डालें। जितना आपने पहले डाला है उतनी ही मात्रा में जल 3 से 4 बार डालें। अब मृदा की मात्रा का अध्ययन करें जो ट्रे से बाहर चली गई है। क्या दोनों ट्रे में मृदा की मात्रा समान है? बहते हुए जल की ऊपरी मृदा सतह की इस तरह से। पौधे की जड़ मृदा के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। आपने सुना भी होगा अपरदन का मतलब, सीधा सा मतलब है कि आपकी बरसात होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े खंडर हो जाते हैं। आपने चंबल के वीड़ों के बारे में तो सुना होगा, इसी का कारण है मृदा के अपरदन का कि वहां बड़े बड़े खंडर हो गए। उसके बाद ये डाकुओं की षडस्थली भी बन चुकी है। बड़े स्तर पर जंगलों का कटना जो कि पूरे विश्व में हो रहा है ना केवल जैव विविधता को नष्ट कर रहा है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी महत्वपूर्ण है। वनस्पति के लिए सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। यह पहाड़ी और पर्वत वाले भागों में त्वरित गति से होता है। मृदा के अपरदन की इस क्रिया मृदा अपरदन को रोकना बहुत कठिन है। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति जल की को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप लोगों को शायद, हम लोगों को लगता नहीं है कि पेड़ों से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन आज से आप लोगों ने कई साल पहले, हो सकता है आपने भी देखा हो कि पहले पानी इतना बरसता था कि 7-7 दिन पानी ही नहीं खुल रहा है। उसके बाद भी आप देखते थे कि पेड़ों की वजह से आपकी मिट्टी जो होती थी वो उसका अपरदन नहीं होता था, यानी कि उसका कटाव नहीं होता था। फिर चाहे कितनी भी नदियां पानी बहा दें, लेकिन आप देखते हैं थोड़ा सा पानी नदी में आता है उसके कटाव उसका और बढ़ जाता है, यानी कि उसके जो बहने का क्षेत्र है वो और बढ़ जाता है क्योंकि जल्दी मृदा कट जाती है। उसके बाद आप देखते हैं बरसात भी अब ना के बराबर होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बीमारियां भी बराबर बढ़ रही हैं। तो पेड़, मुझे लगता है कि पेड़ बहुत कुछ रोक लेते थे और बहुत हमारी मदद भी करते थे इस मामले में। अब बात करते हैं जैव रासायनिक चक्रण के बारे में। जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीव मंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो संतुलन को बनाए रखती हैं। जलीय चक्र, आपने देखा है कि जलाशयों से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा कैसे होती है, लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा है। तो किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आता है, पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जल जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जलीय चक्र कहते हैं इसे। यह चक्र उतना आसान और सरल नहीं है जैसा कि वक्तव्य से प्रतीत होता है। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता है, इनमें से कुछ मृदा के अंदर चला जाता है और भूजल का हिस्सा बन जाता है। कुछ भू जल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है और हम इसे अपने व्यवहार के लिए कूपों और नलकूपों की मदद से सतह पर लाते हैं। जीवन की विभिन्न क्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। एक बात अब हम लोग हमेशा समझिए कि अगर 1 लीटर जल आज से 50 साल यानी कि 100 साल पहले था, यानी कि जब पृथ्वी आपकी बनी हुई थी,
तब 1 लीटर जल था तो अभी भी एक ही जल लीटर जल है, उसमें ना तो बढ़ा है ना ही घटा है, बस उसके रूपों में परिवर्तित हो गया है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था ऊर्जा का नियम, कि इसमें ऊर्जा का ना तो उत्पादन किया जा सकता है ना ही इसकी प्राप्त किया जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे सूर्य से ऊर्जा मिल रही है उसे आप लोग विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, यही किया जा सकता है। तो पानी का भी यही हाल कि इसे आप लोग, आपने देखा है कि समुद्र में बढ़ रहा है, यानी कि समुद्र में ही जल में चला जाता है जल आपका, तो वहां शिफ्ट हो रहा है। फर्क तो यही है बस कि आपने देखा होगा धरती के सूखने की क्षमता घट चुकी है, क्योंकि हर जगह पक्की सड़कें और पक्के इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि अब नीचे पानी जाता ही नहीं है, तो वो जाकर डायरेक्ट आपका नदियों के द्वारा समुद्रों में पहुंच जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, गंगा नदी देख रहे हैं, गंगा में जो पानी बहेगा वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हो रहा है, तो इससे आपकी धरती की जो क्षमता थी वो घटती जा रही है और पानी की उपलब्धता भी कम होती जा रही है। प्रकृति में जलीय चक्र की आप बात कर सकते हैं तो ये है भूजल, ठीक है, नीचे सतही जल यानी कि ऊपर भरा हुआ बाष्पीकरण द्वारा जा रहा है, फिर ये संघनित होकर वर्षा के और बर्फीले बर्फबारी के रूप में नीचे आता है, वर्षा के रूप में बाष्प विसर्जन, देखिए शोषण द्वारा ये जा रहा है फिर नीचे आ रहा है बराबर। आइए जल चक्र में जल चक्र का, जल का क्या होता है जल चक्र में, एक अन्य पहलू पर विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जल बहुत से पदार्थों को घुलाने में सक्षम है, घुलने वाले खनिज से होकर जल जब जल गुजरता है तब इसमें से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदी बहुत से पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ले जाती है, इसका उपयोग समुद्री जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन चक्र की ओर। हमारे वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है, सबसे बड़ा भाग यही है इसी गैस का। यह गैस जो जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है, जैसे प्रोटीन युक्त क्लिक अम्ल डीएनए आरएनए और कुछ विटामिन भी इसमें शामिल रहते हैं। नाइट्रोजन दूसरे जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे आपका एल्किलॉइड यूरिया, इसलिए नाइट्रोजन के सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक है। सभी जीव रूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग से जीवन सरल हो जाएगा। यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट तथा नाइट्राइटस जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या फिर द्विबीजपत्री पौधे के कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं। साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं। इसे आपने सुना होगा कि दाल की जड़ों में भी इस तरह की जीव पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइटस में भौतिक क्रियाओं के द्वारा भी बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रेट और नाइट्रेट अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं। तब इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपों द्वारा किया जाता है। यह आप लोग देख लीजिए प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र, यह आपका पूरा वायुमंडलीय औद्योगिक स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रस डीनाइट्रिफिकेशन, वायुमंडल में नाइट्रोजन फिर नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, हरे पौधों के जीव द्रव अमोनियाकरण, अमोनिया नाइट्रस नाइट्रेट ये जीव जंतु द्वारा, ठीक है। नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपों के निर्माण के पश्चात नाइट्रोजन का क्या होता है। सामान्यतः पौधे नाइट्रेट नाइट्रेट्स और नाइट्राइटस को ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को ये पौधे नहीं लेते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं जिसका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं जिनका उपयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में बनाता है। इन प्रोटीनों और दूसरे जटिल यौगिकों का प्रयोग जंतुओं द्वारा किया जाता है।
जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइटस में बदल देते हैं, तथा अन्य तरह के बैक्टीरिया इस नाइट्रेट नाइट्रेट्स और नाइट्राइटस को नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र होता है जिससे नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता रहता है, तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिकों के रूप में भी बदल जाता है। फिर ये साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में वापस आ जाता है। फिर आता है आपका कार्बन चक्र। क्या कार्बन चक्र? कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में देखने को आपको मिलेगा। यह अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में भी देखने को मिलेगा। यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, विभिन्न प्रकार के खनिज में कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है आपका कार्बन। जबकि सभी जीव रूप कार्बन आधारित अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन पर यह भी आधारित होता है। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं, इनमें कार्बन आपका शामिल रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती है जिन जिनमें की क्लोरोफिल होता है, इस मूल क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकार में समाविष्टि होती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में या फिर जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। एक ग्लूकोज अणु या दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं, या फिर दूसरे जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, इसमें भी आपका कार्बन शामिल रहता है। श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है, और दहन की क्रिया जहां ईंधन का उपयोग खाना पकाने, गर्म करने या फिर यातायात या उद्योगों में होता है के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। वास्तव में जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, मानव से बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू किया है, तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दगनी हो रही है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। यहां आप देख लीजिए चित्र में, प्रकृति में कार्बन चक्र, वायुमंडल में CO2 कार्बनिक यौगिक पदार्थ, पानी में कार्बोनेट चूना पत्थर, उसके बाद कोयला, कार्बनिक जंतुओं कार्बनिक यौगिक जंतुओं में पेट्रोलियम, अकार्बनिक कार्बोनेट सल्की, श्वसन एवं विघटन में भी इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। पर एक शब्द आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्रियाकलाप 14.1 में किए गए अवलोकन का स्मरण कीजिए। शीशे द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक हो जाता है। ठंडे मौसमों में उष्ण कटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में भी ग्रीन हाउस होता है। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार के प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि भी होती है। इस प्रकार के कारणों द्वारा वैश्विक ऊष्मा ऊष्मीकरण की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो ये तापमान के बढ़ाने में भी एक प्रमुख कारक है। अब ऑक्सीजन चक्र की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी मात्रा मूल रूप से वायुमंडल में आपकी 21% देखने को मिलेगी। कितनी? 78% आपकी नाइट्रोजन हो गई, उसके बाद 21% यानी कि दूसरा सबसे बड़ा इसमें ऑक्सीजन का शामिल रहती है। या बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी शामिल पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में यह धातुओं और सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में भी पाई जाती है। यह कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, अन्य खनिजों के रूप में भी देखने को मिलेगी। यह जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, वसा अथवा लिपिड का भी एक आवश्यक घटक है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तब मुख्यतः उस चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। ऑक्सीजन से वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग
तीन प्रक्रियाओं में होता है जिनके नाम श्वसन, दहन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में निर्माण। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के द्वारा लौटती है। इस प्रकार की प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा बनती है। यह आप देख रहे हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन O2, श्वसन H2O में प्रकाश संश्लेषण वापसी। कार्बनिक अणु C6H12O6 AcO2 फिर श्वसन में उस CO2 फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वापस। यद्यपि हम जीवन में श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु कुछ जीव मुख्यतः बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं। वास्तव में बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती। एक आप लोग सुनते रहते हैं ओजोन परत, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि जो हानिकारक ऊपर से किरणें आती है उन्हें रोक लेती है, वरना त्वचा कैंसर का भी इस तरह की बीमारियों का भी डर बना रहता है। तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप से सामान्यता द्विपरमाणिक अणु के रूप में पाई जाती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के तीन अणु परमाणु अणु पाए जाते हैं। इसका सूत्र O3 है, किसका? ओजोन का। इसे ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान द्विपरमाणिक अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नजदीक स्थित नहीं रहता। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है जो कि कई जीवों को हानि भी पहुंचा सकते हैं, यानी कि एक हमारे लिए अच्छा भी काम करती है। आपने सुना होगा कि जब बात चलने लगती कई बार न्यूज़पेपरों में आने लगता है कि ओजोन छिद्र हो रहा है तो एक चिंता का विषय भी बन जाता है। हाल ही में यह पता चला है कि ओजोन परत का ह्रास यानी कि अवक्षय होता जा रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोकार्बन यानी कि CFC वायुमंडल में स्थित अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। वो क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते। एक बार जब ये ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं फिर ओजोन के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में कमी आई और हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में कल्पना करना भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन परत के क्षीण होने की विक्रिया को रोकने के प्रयास आवश्यक है। अक्टूबर 1985 और 1990 में देख रहे हैं मेजेंटा रंग का। तो आपने क्या सीखा है इसमें? इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश्य क्या रहा है आपका? पृथ्वी पर जीवन जो आपका जीवन है ये मृदा यानी कि मिट्टी, वायु, जल और सूर्य से ताप प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है। ये चारों अवस्थाएं जहां हो गई वहां आपका जीवन संभव हो सकता है। स्थल और जलाशयों के ऊपर विषम रूप में वायु के गर्म होने के कारण पवने उत्पन्न होती है। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। किसी क्षेत्र में पहले से विद्यमान वायु के ऊपर के रूप में होने वाली वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चक्रीय रूपों से पुनः उपयोग किए जाते हैं जिसके कारण जैव मंडल के विभिन्न घटकों में एक निश्चित संतुलन स्थापित होता है। वायु, जल तथा मृदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधताओं को हानि भी पहुंचाता है। हमें अपनी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है, उन्हें संपोषणीय रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। जो सतत विकास लक्ष्य आपके 70 रखे गए थे या आपके इसी पर आधारित है पूरा कि इस तरह से आपको प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। तो ये कहानी थी आपकी प्राकृतिक संपदा की। लास्ट चैप्टर बचता है आपका खाद्य संसाधन में सुधार, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे।